भोपाल के IAS अफसर नियाज खान की सलाह, ट्वीट कर मुस्लिम भाई गोरक्षक बने, कहा जबरदस्ती इस्लाम में धर्म परिवर्तन ना कराए, जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित। ब्राह्मण द ग्रेट उपन्यास के चलते चर्चा में है नियाज खान, अपने बयानों के लिए चर्चित। मध्य प्रदेश के मुस्लिम IAS अफसर खान का एक और बड़ा बयान फिर सामने आया और उस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं MP से स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए बाबला, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के IAS नियाज खान ने मुसलमानों को गोर रक्षा की सलाह दी है। उन्होंने दमोह के स्कूल में धर्मांतरण और टेरर फंडिंग के खुलासे के बीच ट्वीट कर मुसलमानों को ये सलाह दी है। न्याय ने लिखा, मुस्लिम भाई भी गोरक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म बदलवाए न, जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। अगर शाकाहार अपना सके तो यह एक बेहतरीन प्रयास होगा, यद्यपि शाकाहारी बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता। हर मुस्लिम भाई ब्राह्मणों में मधुर संबंध रखें। IAS नियाज खान हाल ही में ब्राह्मणों पर ब्राह्मण का ग्रेट नाम की किताब लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कई अहम बातें लिखी है। 4 महीने पहले मार्केट में आई इस किताब में उन्होंने लिखा कि जब जब सड़क पर छोटी जनेऊधारी ब्राह्मण नंगे पांव निकलता है तो वह साक्षात भगवान का रूप होता है। अपने बयानों और किताबों को लेकर विवादों में रहने वाले नियाज की है सातवीं किताब है। नियाज खान इस तरह किताब को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है उनकी भावना, वह भी इसलिए क्योंकि यह किताब RSS प्रमुख मोहन भागवत ने उस बयान के बाद प्रकाशित होने जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। और मैं आपको बता दूं, नियाज खान जो है वो उनका क्या पीछे का फीडबैक है, और IAS जो नियाज खान है वो मध्य प्रदेश केरल के IAS से है और राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए और 2015 में प्रमोट होकर IAS बने हैं। उन्होंने साहित्यिक मिजाज के लिए जाना जाता है। वे अब तक 7 किताबें लिख चुके हैं। वे हिंदू धर्म से काफी प्रभावित है, हिंदू धर्म को लेकर कुछ किताबें भी लिख चुके हैं। गैंगस्टर अबू सलेम पर किताब लिखकर चर्चित हुए थे। पिछले साल कश्मीर फाइल से फिल्म को लेकर उनकी टिप्पणी की वजह से परेशानी में वह गिरे थे। वही नियाज ने 7 जून को फिर से एक ट्वीट में लिखा, मेरे वह इंटरव्यू में या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर किए गए ट्वीट पर 4-5% ब्राह्मण मेरा विरोध करते हैं, यहाँ तक कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, पर पूरी खुशी की बात है पूरे देश के अधिकतर ब्राह्मण मेरी पुस्तक के साथ है, जो मेरे से नाराज है, कारण समझ नहीं आता है। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं आईना दिखाने का भी काम किया। ऐसा ही नहीं कि नियाज खान ब्राह्मणों के प्रशंसक भी है, वे ट्वीट कर सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मणों को आईना भी दिखाते रहते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, कई बार जब मैं गिने चुने ब्राह्मण भाइयों को पूरे देश में पब्लिक मंच पर आकर गाली गलौज करते देखता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, सर्वोच्च योग्यता रखने वाली वालों की दशा किसने की है। ब्राह्मणों के मुख से सदा ही अमृत के शब्द बरसते, ये स्थिति क्यों गंभीर है, ये विषय है, इसे संभालना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर IAS जो है नियाज मोहम्मद को एक बार फिर मुस्लिम गोरक्षक बने और धर्म परिवर्तन का जो विरोध किया है उसलिए फिर एक बार सुर्खियों में आए। देखना होगा ये सुर्खियों वाला बयान में किस तरह का IAS जो नियाज मोहम्मद और को किस तरह की सुर्खियां मिलती है। जी बाबा जी, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे थे आप, जहाँ IAS अफसर नियाज खान ने एक बार फिर मुस्लिम भाइयों को गोरक्षक बनने की सलाह दे डाली है।